ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं सुंदरता पर। एक प्रश्न आया था, क्या हम बिना मेकअप के भी सुंदर लग पाएंगे? मित्रों, सुंदरता क्या है पहले हम ये जान लें। सुंदरता जो है वो किसी बनावट में नहीं होती। कहें तो हर प्राकृतिक वस्तु जो प्रकृति ने दिया है वो सब कुछ सुंदर है। कहीं भी प्रकृति प्रदत्त वस्तु में या पदार्थ में या व्यक्ति में असुंदरता नहीं होती। जब वो कुछ आडंबर ओढ़ लेता है तब वहां से असुंदरता आती है या कुरूपता आती है। मित्रों, हमने अक्सर देखा है लोग सुंदर नहीं दिख रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बदसूरत हैं, तो दुनिया भर का मेकअप पोत लेते हैं, या जो सुंदर है और सुंदर दिखने के लिए मेकअप पोत लेते हैं, या कुछ सुंदर दिखाने के लिए कुछ अलग अलग चीजें लगा लेते हैं। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि जो वस्तु जहाँ होती है, जैसे पुष्प है, फूल है, वो जहाँ उगा है वहाँ वो डाली पर बड़ा सुंदर लगता है कि और वो बहुत अच्छे समय लंबे समय तक वहाँ सुंदर रह सकता है। लेकिन मनुष्य उसको कहीं और सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में वहाँ से तोड़ लेता है और वो फूल फिर दो दिन में, जो चार पांच दिन खिला रहना चाहिए, वो दो से तीन दिन में मुरझा जाता है। बहुत दो से तीन दिन में मुरझा जाता है। मित्रों, एक बात, जब कोई भी वस्तु अपनी जड़ से अलग होती है तो वो कुरूप होने लगती है। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु को उसकी जड़ से अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, बेटियों को अक्सर जड़ से अलग होना पड़ता है। यदि बेटियों को वही माहौल ससुराल में भी मिल जाता है तो बेटियां खिल जाती हैं, अन्यथा मुरझा जाती हैं। तो सुंदरता क्या है? मित्रों, सुंदरता कहीं भी किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी बनावट में, किसी दिखावे में नहीं बसी हुई है। क्योंकि एक प्रश्न और आया था, क्या आपके बाल पहले से इतने सुंदर हैं? मेरे मेहंदी वाले वीडियो पे शायद प्रश्न आया था ये कि आपके बाल ऐसे सुंदर पहले से ही हैं। मित्रों, हर चीज कहाँ ना पहले से सुंदर होती है। यदि आप उसको उसके कुदरती रूप में रहने देंगे तो वो हमेशा सुंदर रहेगी, लेकिन यदि आपने उसके साथ छेड़खानी की तो कुरूप होने में या असुंदर होने में, बदसूरत होने में उसको समय नहीं लगता। इसलिए यदि आप कहीं कुछ भी दिखावा करते हैं, लीपा पोती करते हैं, तो आप ये निर्णय कर लीजिए कि आप उसे कुरूप बनाने की तैयारी कर चुके और कुरूप बनाने की ओर उसे आप आगे ले जा रहे हैं। यदि उस कुरूपता से आपको बचना है, क्योंकि हमने देखा है मेकअप करके महिलाएं या कोई भी है वो शुरुआत में तो सुंदर दिख लेते हैं, कितने दिन, दो दिन, चार दिन, दो साल, चार साल, उसके बाद धीरे धीरे वो उससे हटने लगते हैं और उनका उसमें रुचि खत्म होने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब असलियत या सच्चाई सामने आती है या सच्चाई दिखती है तो अपने आप को, अपना सामना वो स्वयं नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी यदि आपको सुंदर रहना है तो आप सुंदर बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के रह सकते हैं। क्योंकि सुंदर कितना हुआ जा सकता है इसका कोई पैमाना नहीं है। जैसे सहनशीलता का कोई पैमाना नहीं है, वैसे सुंदर होने का कोई पैमाना नहीं है। आप कितने भी सुंदर हो सकते हैं, वस्तु कितनी भी सुंदर हो सकती है, व्यक्ति कितना भी सुंदर हो सकता है, बस उसकी सोच सुंदर होगी तो सुंदर हो जाएगा। अन्यथा हर व्यक्ति, हर वस्तु कुरूप होने में समय नहीं लगाती। मित्रों, हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ों की डालियां काट दें तो डालियां वहीं कुरूप हो जाती हैं, लेकिन डालियां जब तक पेड़ पे हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं। फूल जब तक पेड़ पे बहुत सुंदर होता है, अर्थात वो अपने मूल रूप में, मूल प्रकृति रूप में है तो सुंदर ही है। वैसे ही मनुष्य भी जब तक उसके मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में, जो परमात्मा स्वरूप है उसमें रहेगा, तब तक वो मात्र और मात्र सुंदर ही रहेगा। जब वो दिखावा ओढ़ता है, जब वो बनावट ओढ़ता है, तब वो जाके धीरे धीरे शनै शनै कुरूप होने लगता है। ये कुरूपता हम स्वयं दिखावे में, सुंदर दिखने के चक्कर में अपने ऊपर लाद लेते हैं। ये हम स्वयं इसको चुनते हैं, हमारा चुनाव, हम गलत दिशा का लेते हैं, इसलिए हम आगे जाके परेशान होते हैं। यदि हमें परेशानी से बचना है तो हम कम से कम, या ना करें तो अच्छा है, कम से कम दिखावे पर जाएं, कम से कम बनावट पर जाएं और कम से कम फैशन पर जाएं, तभी हम सुंदर और अच्छे दिख सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं सुंदरता के लिए।
हम ऐसे दिख रहे हैं, हमारे चेहरे पर ये हो गया, ये क्यों हो गया है? आपने जो सुंदर दिखने का प्रयास किया था ना, उसमें ही आपने ये कुरूपता ले ली है। मित्रों, मैंने देखा है जो लोग अधिक लिपस्टिक लगाती है ना महिलाएं, उनके होंठ बाद में बहुत काले हो जाते हैं। जो अधिक मेकअप लगाती हैं महिलाएं, उनके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगाने से, उसको सब करने से उनके चेहरे का जो अपना जो चमड़ी है वो सांस नहीं ले पाती, उसको इतनी जगह ही नहीं मिल पाती कि उसमें वो सामान्य क्रिया कर सके या सामान्य सांस चल सके या सामान्य उसको ऑक्सीजन मिल सके। हर स्थिति में वो अपने आप को असुंदर या कुरूप बना लेते हैं। दीदी, आप सुंदर रहना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, तो एक ही काम करिए, हो सके उतना कुदरत के, प्रकृति के और वातावरण के सामान्य स्वरूप में नजदीक चाहिए। जितना हो सके उतनी प्राकृतिक चीजें अपने अंदर ग्रहण करिए। जितना आप प्रकृति के नजदीक जाएंगे, समीप जाएंगे, उतना ही आप सुंदरता को बढ़ाते जाएंगे, अपने सौंदर्य को निखरते जाएंगे। मित्रों, कहीं से कुछ नहीं लाना, कहीं से कुछ नहीं करना, बस आपको जो करना है अपने भीतर से करना है। जितना परिवर्तन कर लेंगे ये आपका है और आप में आएगा, अंदर से लाना है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आएगा। जो करना है आपको अपने भीतर से करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इस वीडियो के विवरण के वीडियो अवश्य देखिएगा, वहाँ मैंने आपको पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए कुछ लिंक दी हुई है, उनको देखिए। यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो वहाँ से नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।